मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि ये गुनाह है, अगर मैं अपनी जिंदगी का हर दिन यूं मर मर के नहीं गुजार सकती। क्या किया नूर, मेरे जुर्म की इतनी बड़ी सजा क्यों दी नूर? कुछ ठीक तो है? बस नूर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस नूर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसला रख, तू इतनी परेशान ना हो। पुत्र पहले भी ठीक नहीं लिया, हुन ऐ देख जिंजैन जी लिखे है ना, हुन जी इत्थे लिख। शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। पुत्र है की गल, आज तू सही नहीं पढ़ रही। पेपे मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? मेरी फेवरेट टीचर ने स्कूल छोड़ दिया। ओ का दिले? उनकी शादी हो रही है आज, इसलिए वो स्कूल नहीं आया करेंगी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा पढ़ने का और ना उस स्कूल में जाने का। मेरा पुत्र इंज नहीं कहते, शादियां तो होंदिया ही है ना कुड़ियां दियां, है होर टीचर आ जाएगी। Us
कौन हो तुम? कौन हो तुम? चलो सब कुछ बता दूंगा। हाँ, क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? रुखसाना, छोड़ो मुझे! चलो, चलो। छोड़ो मुझे! छोड़ो! कहाँ है रुखसाना? जिंदा है अभी, परेशान मत हो। गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें मुझ पर? भाई गुस्सा नहीं, रहम आता है मुझे तुम पर। तुम जैसे लोगों के पास औरतों की तजलील करने के अलावा और कोई हल नहीं होता। बहुत गलत था मैं, बहुत गलत था जो तुम जैसी औरत को अपना दिल दे बैठा। हालांकि तुम जैसी औरत का मुकाम मेरे पांव की जूती में है। और रुखसाना क्या समझती थी कि मुझसे बचकर जिंदा रह लेगी और तुम्हें भी बचा लेगी? भूलती उसकी, मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। कोशिश करके देख लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा ईमान है मेरे खुदा पर। बस आज की रात है तुम्हारे पास। अहमद की शादी हो जाए, कल उसकी खुशियों के जश्न में तुम्हारी मौत की चीखें गुम हो जाएंगी। रमेश कहां पर हो तुम? रमेश जल्दी पहुंच, जल्दी पहुंच। हाँ घर, घर पहुंच, घर पहुंच। मैं तेरे बताता हूं, तू घर पहुंच, जल्दी पहुंच, जल्दी। तुम ऐसा करो, पुलिस को जाके इतला करो, जल्दी। अच्छा अमर, क्या रमेश अंदर है? नहीं, उठे भी नहीं है। कहाँ गए? अमर चल चल चल, मैं अपने लॉयर को फोन करी, वो सारा बंदोबस्त कर लेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, पागल मत बनो, ये खेल नहीं है। खेल तो तुम रहे हो मेरे साथ, मेरे जज्बात के साथ, मेरी इज्जत के साथ। हाँ खेल रहा हूँ मैं,
क्योंकि तुम हो इसी काबिल। कभी खुद को आईने में देखो, तुम जैसी औरतों से कौन शादी करना चाहेगा? क्योंकि तुम जैसी औरतें हम जैसे अमीरजादों के लिए वक्त गुजारने का सामान होता है। बस मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हीरो लग रहा है मेरा बेटा। आज मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है। एक तो तुम्हारी शादी की खुशी और दूसरा मेरा इंतकाम पूरा होने की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा नूर हमारे लिए इतनी खुशकिस्मत साबित होगी, वरना इस घर में तो औरत हमेशा बर्बादी लेकर आई है। अब हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चल अब चलते हैं, देर हो रही है, चला। से तुम्हें जाओ, मैं होने आ रही हूं। बस कर नू, और किन्ना रोएंगी, हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नू आज ते तेरा व्याह है, ते कुड़ी आस्ते होते व्याह तो बाद कुछ नहीं होंदा। बस तू उन सब कुछ भूल जा, ते अपनी नई जिंदगी दी तैयारी कर। अल्लाह ने तेरे आस्ते जरूर कुछ चंगा सोचा होएगा। कैसे हौसला करूं सोनी, मेरी जिंदगी मेरे सामने बर्बाद हो रही है, कैसे हौसला करूं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू अपने अल्लाह पे भरोसा रख। इधर बैठ, मैं हुणे आनी हूं। अहमद चौधरी वाल
सर्वर चौधरी। के? क्या इतला पकी है ना? ठीक है, मैं अभी सरकार को बताता हूं। अभी थाने से फोन आया सरकार, इतला पक्की है। काश मुझे पता होता बंटी की जान इतनी आसानी से ना लेता। बाबूजी आप निकाह मुकम्मल करवाएं और इस इंस्पेक्टर अयास को रुकवाएं। एक बार निकाह मुकम्मल हो जाए मैं इस इंस्पेक्टर को खुद ही देख लूंगा। तेरा शक बिल्कुल सही सी, अहमद चौधरी बिल्कुल चंगा मुंडा नहीं हैगा। उन्हें ही भट्टी का कत्ल भी कीता है। नूर तो दे नाल व्याह ना कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू तू इथो नस जा, तू नस जा इथो नूर। बेटा मौलवी साहब निकाह की इजाजत लेने आए हैं। नूर बेटा, नूर सॉरी बेटा, नूर कहाँ है? सोनी बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, नूर कहाँ है? चाई साहब, नूर अपने कमरे में नहीं है। मैनू की पता, आऊगा तो पता चल जाओ। हुन किथे चला गया? थाने गया रपट कराण। थाने? हाँ। वाहे गुरु ही जाने मुंडा की पिया करता है। बस तू दुआ करके वाहे गुरु की कृपा नाल सब कुछ ठीक हो जाओ। मैनू तो कुछ समझ नहीं आता।
हाजी साहब, अहमद चौधरी कहाँ है? मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूं। गिरफ्तार करने आए हैं? क्यों? मेरा मतलब है, क्या किया है उसने? मिस बंटी का कातिल है वो, और इसके ठोस सबूत है मेरे पास। नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा इन दोनों को। फिलहाल तो तू अपनी जान बचा, वो इंस्पेक्टर तुझे ढूंढता हुआ किसी वक्त भी यहां पर पहुंच जाएगा। नहीं अबू जी, मैं कहीं नहीं जा रहा, और देख लूंगा मैं इस इंस्पेक्टर को। अगल मत बन, कुछ देर के लिए मंजर से गायब हो जा, संभाल लूंगा मैं सब कुछ यहां पर। मगर अबू जी, नूर। नूर को भी देख लेंगे, फिलहाल तो तू यहां से निकलने की बात कर। चल शाबाश। चल रोशु। सब वो थोड़ा मसला हो गया है। दरअसल नूर जो है अपनी शादी से भाग के आ गई है। बस बेटा, इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम इस इलाके से दूर चले जाओ। अहमद चौधरी के बंदे भूखे शेर की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और मेरा यकीन है कि वो यहां जरूर आएंगे। तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है बेटा। लेकिन लामा साहब, यूं अचानक अगर चला जाऊंगा तो बेबे को क्या जवाब दूंगा, और बापू भी नाराज हो जाएंगे। अब खाला भी और आंटी भी, उनका भी ख्याल रखना है। बेटा छोड़ दो इन बातों को, मैं तरनजीत को खुद समझा दूंगा। यहाँ तुम्हारी जिंदगियों को खतरा है, जल्दी चले जाओ। और लम्मा साहब, नूर का? ओ, छोड़ो, उसको भी साथ ले जा यार। किसी मुनासिब और महफूज जगह पर जाकर मुझे इत्तला कर देना, मैं तरनजीत को बता दूंगा। बस जाओ, अल्लाह तुम दोनों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। जाओ। सत श्री अकाल। आपने बताया नहीं कि तुसी कौन हो और कहां से आए हो, और अमर सिंह को कैसे मिल गए आप? भाई साहब, मैं इस इलाके के एमएनए चौधरी सरवर की बीवी हूं। इतने बड़े बंदे की बीवी हो इस हाल में? ये बहुत लंबी दुख भरी दास्तान है। मैं अमर नूं फोन मिलाना पे है, उदा फोन ही बंद जा रहा है। रमेश पुत्र, तू इवें कर के तू आप ही जाके पता करके आ। मैं वेखदा, तुसी परेशान नहीं होना। बहन जी, आप मुझे जरा तफसील से बताएं कि क्या माजरा है। ठीक है, सारा काम एहतियात से करना। हाँ सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर कि तुम यहां क्यों आए हो। जानते हैं तो फिर बता दें अपने बेटे को कहां छुपाया। यही सवाल अगर मैं तुमसे कहूं तो? क्या मतलब?
मतलब ये कि अहमद का फोन बंद है और मेरा उससे रब्ता नहीं हो रहा। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। चौधरी साहब, कानून से झूठ और मजाक बहुत महंगा पड़ता है। देखो इंस्पेक्टर, मेरी रगों में राजपूतों का खून है, पर हम भागते नहीं, सामने डटकर मुकाबला करते हैं। और ड्रामा मैं नहीं कर रहा, ड्रामा तुम कर रहे हो। तुम्ही ने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया और मेरे घर पर आकर ड्रामा कर रहे हो तुम। मैं आप जैसे सियासतदानों की सारी सियासत समझता हूं, लेकिन इस बार आपके बेटे को छोड़ूंगा नहीं। वो जिस बिल में भी छुपा है उसे निकाल कर लाऊंगा। कातिल है वो, और मैं उसे फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। इसने मुझे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। मेरे पर एक खैर मुस्लिम को फौकियत थी। इन दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि लोगों के लिए इबरत बन जाएगी। आँख उठी मोहब्बत ने हंगड़ाई ली, आँख
मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में।